पैनिक अटैक जो लोगों को आता है वो हमारे पास में आते हैं कि बिना दवाई का इलाज करो। तो चलो आइए, आपका स्वागत है। आज बताते हैं हम पैनिक अटैक का इलाज बिना दवाई का। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पैनिक अटैक में होता क्या है कि बीच बीच में उसको, वो व्यक्ति को पैनिक अटैक आते। पैनिक अटैक में इसका मतलब क्या है कि कभी हफ्ते में, कभी रोज, या कभी दो चार दिन में एक बार ऐसा अटैक आ जाता है कि उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। इतना वो सीवियर अटैक आता है, उसको घबराहट आती है, छाती में धड़कन, हाथ कांपना, बेचैनी, इधर से उधर जाना, उसको लगता है मैं यहाँ से भाग जाऊं और अभी कुछ तो भी हो जाएगा मेरा, मैं मर जाऊंगा, अटैक आएगा ऐसा उसको, और वो इतना बेचैन होता है कि वो इधर उधर चले जाएंगे फटाक से। वो अटैक 5-10 मिनट 15 मिनट कभी 1 घंटा 2 घंटे ऐसा चलता है कि जहाँ उसको एकदम मरने जैसा लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा, इतना सीवियर। लोगों को जब पूछते हैं कि भाई चालू कब हुआ है, बोलते 2 साल हुए 4 साल हुए 1 साल हुआ, जो भी कुछ है, और कुछ तो भी घटना हुई। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सेंसिटाइज हुआ, और वो सेंसिटाइज होने के बाद में सेंसिटिविटी बढ़ गई, उसके बाद में उसको पैनिक अटैक चालू हो गया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब किसका सुन के, कि वो मेरे दोस्त को अटैक आ गया, वो मर गया, इसलिए मुझे अटैक आ जाएगा, या फिर कुछ तो भी ऐसी घटना हो जाती पास्ट में कि जहां उनको बहुत बड़ा हादसा दिमाग को लग जाता है, मन को बहुत बड़ा हादसा हो जाता है वो, और वहां से फिर उसको पैनिक अटैक की शुरुआत हो जाती है। पैनिक अटैक में इतना धड़कन, इतनी धड़कन तेज हो जाती है दिमाग की और सीने की, कुछ होता है कि भाई मैं मर जाऊंगा। तो उसको हम उस समय के लिए बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसी गोली लो कि जो गोली आप जबान के नीचे रखते हैं तो अटैक निकल जाएगा, और फिर हरदम के लिए बिना दवाई का इलाज करें। तो बिना दवाई का इलाज कैसे होता है? एक तो अतीत में जो हुआ सेंसिटाइजेशन, उसको डिसेंसिटाइज कर, तो सम्मोहन के माध्यम से उसको डिसेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया हम करते। फिर उसको पर्सनल कोचिंग जब हम देते हैं कि भाई हुआ क्या, क्या धंधे में लॉस हुआ, धंधा नहीं चल रहा है, वहां किसने कुछ बोल दिया, हमला किया किसने, क्या हुआ आपस में, आपसे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ गया, अप्रामाणिकता क्या है, कहां आप अप्रामाणिकता से इनऑथेंटिकली आप व्यवहार करते हो, क्या छुपा रहे हो, इतना डर काएगा है, जब कर नहीं तो डर क्यों है, ऐसा हम बोलते रहते हैं ना, तो डर क्या है भाई, इतना अटैक ऐसा क्यों आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, हो सकता है कि उसको बदनामी हो जाएंगी ऐसा लगता है, कभी किसने कुछ बदनामी पहले की होंगी, कुछ तो भी अप्रामाणिकता है कि जिसकी वजह से उसको पैनिक अटैक आ रहा है। तो उसका हम, उसका सोर्स हम देखते हैं, सोर्स पे जाते हैं, और उसको प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं, विजुअलाइजेशन उसके साथ में करवाते हैं, और जब वो ये सब प्रक्रिया करते रहते हैं तो फिर वहां से उसको धीरे 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 अच्छा लगना शुरू होता है। काफी सारे लोग हमारे यहाँ के मुकाम करते हैं 7 दिन, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, और हम ऑनलाइन उनको बताते हैं कि सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करना, या ऑनलाइन हम बताते हैं कि उनके काउंसिलिंग में, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ अतीत में कि जहां से आपको अटैक आ गया, तो उसके बारे में काउंसिलिंग करते हैं, उसको रैशनली थिंकिंग करने के लिए बोलते हैं, उसमें हिप्नो थिंकिंग होता है, तो वो हम बोलते हैं, और फिर लोग धीरे 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 अच्छा होना चालू हो जाते हैं। तो हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा यदि आप ये वीडियो लोगों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि लोगों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि करीब करीब 0.5 to 1 लोग 1000 में, मतलब 1000 के आबादी में कम से कम 0.5 to 1 या 2000 में एक लोगों को पैनिक अटैक्स आते रहते, और उससे वो पैरालाइज होते हैं, वो ना घर के बाहर जा सकते हैं, ना घर में बराबर काम कर सकते। कितने सारे मेरे पेशेंट है कि उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, धंधा बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगता कब अटैक आएगा और फिर मैं वहाँ मर गया तो क्या होगा, मतलब इस तरह से उनका जीवन चालू रहता है। तो आपका हमारे साथ में पार्टनरशिप हो जाएगा। ये वीडियो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।